पासपोर्ट एवं विदेश मंत्रालय के समन्वय से जिले के मुख्य पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ किया गया। अब लोगों को लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संतोष कुमार गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने को भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में ही ये सुविधा मिलने से समय और पैसों की बचत के साथ ही बिचौलियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार दिया और कहा कि इतने दिन सरकार में रहे अखिलेश के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे ऐसे बयान ही दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के आने और उनके आने के विरोध के स्वर मुखर होने के सवाल पर बोले गंगवार कि हमारे यहाँ दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए और हमारे अच्छे संबंध हों यह अलग बात है, लेकिन देश के नागरिक स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें यह अलग बात है। मंत्री ने पश्चिम बंगाल से आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर बोले कि कहीं भी किसी जगह किसी की भी हत्या हो उसमें निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी हो उसको सजा मिले। कि बेटी को जेल भेजकर तेल मालिश करने वालों के साथ जो है सरकार खड़ी है। अच्छा अखिलेश जी ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, कई साल सरकार में रहे हैं, अब उनके बाद कुछ बोलने को कहने को है नहीं, ऐसी बातें कहेंगे वो। अच्छा सर एक सवाल और है, चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, घरेलू स्तर पर चीनी सामान का लोग विरोध करते हैं और यहाँ तक आरएसएस और हिंदू स्वदेशी जागरण मंच ने भी जो है विरोध की ठान ली है, ऐसे में क्या लगता है आपको उनका आना जो है? नहीं, दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए उनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे ये एक अलग बात है, पर हमारे देशवासी स्वदेशी इस्तेमाल करें ये एक अलग बात। सर एक सवाल और, अभी आपने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो लगता है ट्रंप का प्रचार करने लगता नहीं है, वहाँ पर गए थे यार, लगता नहीं है। लोगों का मानना ये है कि जिस ढंग से व्यवस्था वो काम किया वो लगा ये कि शायद राष्ट्रपति पद का प्रचार। सर एक सवाल और बता दीजिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पर ममता सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का सवाल नहीं है, जिस किसी की भी हत्या हो चाहे किसी देश के हिस्से में किसी राज्य में हो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।